हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं झारखंड पीजीटी कॉमर्स के बारे में, जो मैंने एक नए क्लास को शुरू किया है उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं हम लोग। और पहली प्रैक्टिस सेट की क्लास आप लोगों की हो चुकी है, क्लास वन में आप लोगों के लिए कर चुका हूँ। आज हम लोगों की क्लास नंबर दो रहने वाली है और वो प्रैक्टिस सेट नंबर है आज का हम लोगों का, प्रैक्टिस सेट नंबर दो है, तो इसको हम लोग आज करने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर दो रहने वाला है। पीजीटी में हम लोगों ने बहुत सी क्लासों को कर लिया है। चाहे हम लोग कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट में मैंने बताया हुआ है पिछली क्लास में भी, 13 क्लासों को हम लोग कर चुके हैं और हम लोगों को और भी क्लासें इसमें करनी है कॉस्ट में। और हम लोगों को अलग अलग क्लासों की बात करेंगे हम लोग, बहुत सी क्लासें। इनकम टैक्स में भी क्लासें हम लोगों की चालू हैं, लेकिन हम लोग एक प्रैक्टिस सेट क्लास को भी लेकर आए हैं। जैसे मान लो कि कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी हो, जैसे मान लो कुछ टॉपिक छूट जाते हैं, तो उनमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट के द्वारा उनको क्वेश्चनों में मिक्स क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखने को मिलेंगे, जिससे आप लोग उनको आंसर कीजिएगा। पिछली क्लास में आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, इसी को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं इस क्लास को फिर से। तो क्वेश्चन नंबर, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर एक में लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो एसपी एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन नंबर एक में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवसायिक संगठन का सिद्धांत नहीं है। मतलब कि इनमें से कौन सा एक व्यवसायिक संगठन का सिद्धांत जो है वो नहीं है। उद्देश्य का सिद्धांत, तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट की बात तो हम लोग व्यवसायिक संगठन के सिद्धांत में करते हैं, तो हमसे पूछा गया है नहीं है तो इसको तो हम लोग करते हैं। दक्षता का सिद्धांत, दक्षता का सिद्धांत, श्रम विभाजन का सिद्धांत या फिर लाभ का सिद्धांत, तो लाभ की बात भी हम लोग करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर की बात भी हम लोग इसमें करते हैं, लेकिन बी नंबर की बात हम लोग इसमें नहीं करते हैं। व्यवसायिक संगठन का जो सिद्धांत नहीं है तो दक्षता का सिद्धांत नहीं है। जब हम डिटेल में क्लास करवाएंगे तब आप लोगों को इन सब के बारे में बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट की क्लास है, तो आप लोग इसी प्रकार से आंसर कीजिएगा। जहां हम लोगों को डिस्कस करने के लगेगा वहां पे हम लोग आपको कर भी देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर दो में, क्वेश्चन नंबर दो में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि क्या करना है। मतलब इनमें से कौन सी चीज जो है वो निर्धारित करती है कि हमें क्या करना है। नीतियां निर्धारित करती हैं, पॉलिसी निर्धारित करती हैं क्या, व्यूह रचना निर्धारित करती है क्या, कार्य विधि निर्धारित करती है, उद्देश्य निर्धारित करते हैं, इनमें से कौन सा निर्धारित करता है कि क्या करना है। दूसरे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि हमें क्या करना है, ये बात हम लोग किससे जानेंगे, कार्य विधि से जानेंगे, तो कार्य विधि की बात हम लोग करते हैं, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर तीन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर तीन में सांख्यिकीय पूर्वानुमान, सांख्यिकीय पूर्वानुमान को बोलते हैं स्टैटिकल फॉरकास्टिंग, स्टैटिकल फॉरकास्टिंग किया जाता है। कब हम लोग सांख्यिकीय पूर्वानुमान करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, बिना किसी मान्यता के। सांख्यिकीय पूर्वानुमान कैसे करते हैं बिना किसी मान्यता के, इस मान्यता पर कि अन्य बातें समान रहें, इस मान्यता पर जो भूतकाल में हुआ वही भविष्य में होगा। तो हम लोग जो फॉरकास्टिंग करते हैं, जैसे मान लो कि आज हमें मान लो कि 20,000 का लाभ हुआ, ठीक है, तो हम लोग एक पूर्वानुमान लगाते हैं कि अगर यही कंडीशंस अगर आगे हम लोगों की रही और यही सब चीज़ें ऐसे ही चलती नहीं, तो हम लोगों को पूर्वानुमान लगाएंगे कि इसी हिसाब से हम लोगों को अगली साल भी 20,000 का लाभ होगा। तो इस मान्यता पर जो भूतकाल में हुआ है, जो आज हुआ है, जो पीछे हुआ है, उसको हम लोग आगे देखते हैं, उसी से हम लोग एनालिसिस करते हैं कि हमें अभी तक कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, अब हमें आगे आने वाले समय में अगर यही कंडीशन चालू रही तो हम लोग कितना कमा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि सांख्यिकी पूर्वानुमान किया जाता है कि इस मान्यता पर आधारित होता है कि भूतकाल में जो हुआ है वही भविष्य में होगा, ये पूर्वानुमान में हम लोग करते हैं, और उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर में, क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा हुआ है कि लागत योग मतलब कि जब हम लोग लागत का किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें योग करते हैं, लागत कितनी आती है। लागत योग ठेके सामान्यता उन दशाओं में लागू होते हैं
जहां ये जो चैप्टर है ये कॉस्ट अकाउंटिंग में ये जो चैप्टर ये क्वेश्चन है जो वो कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के मैंने एमसीक्यू कराए हैं आप लोगों को, ये क्वेश्चन वहीं पर था। लागत का अनुमान, देखो लागत योग ठेके जो होते हैं उन कुल दशाओं में लागू होते हैं, तो उनको पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है कि लागत का अनुमान सरलता से किया जा सकता है, ठेकेदार लाभ की एक निश्चित राशि अर्जित करना चाहता है, अग्रिम में शुद्ध लाभ की गणना संभव नहीं हो पाती, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लागत योग जो ठेका होता है वो किन दशाओं में लागू होता है, ये आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो लागत योग जो ठेके होते हैं वो सामान्यतः उन पर लागू होते हैं जहां ठेकेदार जो होता है वो लाभ की एक निश्चित राशि अर्जित करना चाहता है। तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में कि किसका निर्धारण करते समय सामग्री उपयोग की दर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया है और ये किसमें है, तो ये है कॉस्ट अकाउंटिंग में है ये क्वेश्चन। उसको हम लोग देखते हैं कि किसका निर्धारण करते समय सामग्री उपयोग की दर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है। सामग्री उपयोग की दर, अगर हम लोग मैक्सिमम लेवल की बात करें तो मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला है आप लोग जरा बताइए। मैक्सिमम लेवल की अगर हम लोग बात करें, एक होता है हम लोगों का मिनिमम लेवल की बात करें तो मैक्सिमम लेवल का क्या फॉर्मूला होता है, इनके क्या फॉर्मूले होते हैं। तो किसका निर्धारण करते समय सामग्री उपयोग की दर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, अधिकतम सीमा में, निम्नतम सीमा में, पुनः आदेश स्तर में, या फिर इनमें से सभी में। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। सामग्री उपयोग की दर सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होती है वो इन तीनों में महत्वपूर्ण होती है। जब हम आप लोगों को इनके जो हैं डिटेल में क्लास करवाएंगे ना, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल, ऑर्डर पॉइंट, री ऑर्डर पॉइंट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो इन पर हम लोग डिटेल में क्लास करेंगे, ठीक है, जल्द करेंगे। आप लोग ये ना सोचिए कि कब करेंगे, लेकिन जल्द करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस सेट में कर लेते हैं तो उनको देखते हैं। अगर हम लोग मैक्सिमम लेवल की बात करें तो चलो हम लोग यहाँ पे बता देते हैं। तो ऑर्डर पॉइंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑर्डर पॉइंट माइनस हम लोग करते हैं, इसमें क्या माइनस करते हैं, तो इसमें हम लोग माइनस करते हैं मिनिमम यूजेस रेट इनटू मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहीं पे कर देते हैं मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम यूज रेट इनटू मिनिमम लीड टाइम। ये तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें करेंगे ऐड करेंगे ईओक्यू या फिर रीऑर्डर क्वांटिटी। तो इसमें क्या फॉर्मूला है तो इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिलहाल इतना ही डिस्कस करते हैं, जब हम लोग डिटेल में क्लास करेंगे तो आप लोगों को जरूर बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा हुआ है कि विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड किस आधार पर अवशोषित किए जाते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेंसेस होते हैं वो किस आधार पर अवशोषित किए जाते हैं। विक्रय मूल्य पर, कारखाना लागत पर प्रतिशत में, दर प्रति इकाई पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो विक्रय और वितरण, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम लोग किस पर करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम लोग किस पर करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को
बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। विक्रय एवं वितरण जो है वो किस आधार पर अवशोषित किए जाते हैं, तो विक्रय मूल्य पर प्रतिशत पर इस पर भी, कारखाना लागत पर प्रतिशत पर ये भी, और दर प्रति इकाई पर ये भी। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा हुआ है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्थिर लागत 4 लाख रुपए, मतलब कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है, फिक्स्ड कॉस्ट बराबर 4 लाख रुपए, लाभ उसमें है 2 लाख रुपए, प्रॉफिट जो है वो कितना है 2 लाख रुपए, प्रॉफिट जो है वो कितना है 2 लाख रुपए, तथा लाभ मात्रा अनुपात 40% हो तो बिक्री की राशि होगी, लाभ मात्रा अनुपात 40% हो तो बिक्री की राशि पूछी गई है, तो बिक्री की राशि पूछी गई है। तो बिक्री की राशि, अगर हम लोग बिक्री को निकालते हैं, बिक्री को निकालने के लिए अगर हम लोग बात करते हैं, बिक्री की राशि की बात करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि जब स्थिर लागत प्लस करते हैं हम लोग लाभ को, प्लस करते हैं लाभ को, और डिवाइड कर देते हैं लाभ माइनस मात्रा अनुपात। तो लाभ माइनस मात्रा अनुपात, तो हमें बिक्री निकालनी है, तो इसमें जो है स्थिर लागत कितनी है, तो वो है 4 लाख रुपए, वो कितनी है 4 लाख रुपए, प्लस प्रॉफिट कितना है 6 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए, और लाभ जो मात्रा अनुपात है, लाभ मात्रा अनुपात यहाँ पे जो लिखा हुआ है, लाभ मात्रा अनुपात लिखा हुआ है, लाभ मात्रा अनुपात कितना है 40% है, 40%। तो हम लोग अगर ऊपर का ऐड करते हैं तो वो कितना है 6 लाख रुपए, और 6 लाख में अगर हम लोग 40 का भाग देते हैं तो कितना आएगा, तो वो कितना आएगा, अब 40% था तो उसमें क्या है कि हम लोग अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से एक बिंदी कैंसिल, अब 4 से हम लोग इसको काटते हैं तो 4 एकम 4, और यहाँ बचे 2, तो 4 पंचे 20, अब 1 2 3 4 और 1 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये कितने की बिक्री हुई है 15 लाख की बिक्री हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी गलत है। तो इस प्रकार से हम लोग इनको करने वाले हैं। लाभ मात्रा अनुपात जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से आता है और इस प्रकार बिक्री कैसे निकालते हैं, तो उनकी बात हम लोग जल्द से जल्द आप लोगों को करने वाले हैं। पहले डिटेल में हम आप लोगों को फॉर्मूले बताएंगे, उसके बाद 10 से 11 MCQ की बात भी आप लोगों को 1-2 दिनों में आप लोगों को मिल जाएगी क्लास कॉस्ट अकाउंटिंग में 14 नंबर क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का शोधन नहीं किया जा सकता। कंपनी के पूर्वाधिकार अंशों का जो शोधन है, मतलब कि रिडम्पशन है, वो हम लोग एट पार पर कर सकते हैं, एट प्रीमियम पर कर सकते हैं, लेकिन एट डिस्काउंट पर हम लोग नहीं कर सकते हैं, एट डिस्काउंट पर हम लोग नहीं कर सकते हैं, शोधन जो है वो नहीं किया जा सकता। तो 8 नंबर का जो है वो होगा हम लोगों का, 8 नंबर का, एक सेकेंड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि हम लोग पूर्वाधिकार अंशों का शोधन जो है वो एट डिस्काउंट पर नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे मान लो कि हमने किसी से लिए थे 10 रुपये, लेकिन उसको 10 रुपये के 10 रुपये तो दे सकते हैं, तो ये तो हो गया एट पार पर, मतलब सम मूल्य पर। अगर 10 रुपये के 10 रुपये लिए थे, 11 रुपये देते हैं, तो ये तो हो गया हम लोगों का प्रीमियम पर, लेकिन 10 रुपये लिए थे, 9 रुपये पर इशू नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कटौती पर हम लोग नहीं निर्गमित कर सकते, तो इसका जो राइट आंसर नहीं पूछा है, तो इसलिए जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती एक क्या है, वास्तविक संपत्ति है, अवास्तविक संपत्ति है, स्थायी संपत्ति है, या फिर चालू संपत्ति है। तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर जब हम लोग ऋण पत्र को इशू करते हैं तो जो डिस्काउंट देते हैं वो कैसी एसेट्स है,
रियल एसेट्स है, फिक्सीसियस एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, या फिर करेंट एसेट्स है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि ऋण पत्रों पर निर्गमन को जो हम लोग करते हैं तो वो हम लोगों की कैसी एसेट्स होती है, फिक्सीसियस एसेट्स होती है, अवास्तविक संपत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लगा लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि प्रत्यायोजन डेलीगेशन किया जाता है क्रियात्मक कार्यों के लिए, समन्वय संबंधी कार्यों के लिए, नियंत्रण संबंधी कार्यों के लिए, या फिर निर्णयन संबंधी कार्यों के लिए। जो डेलीगेशन है वो हम लोग किसके लिए करते हैं, क्रियात्मक कार्यों के लिए, समन्वय संबंधी कार्यों के लिए, नियंत्रण संबंधी कार्यों के लिए, या फिर निर्णयन संबंधी कार्यों के लिए। तो दसवें का जो राइट आंसर है वो है आप लोगों का ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि क्रियात्मक संबंधी कार्यों के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेलीगेशन मतलब प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन को डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोगों को बताएंगे, ये बीओ का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, या फिर स्पेसिफिक टैक्स है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रगतिशील कर, या फिर विशिष्ट कर। तो इनमें से कौन सा जो है भारत का सबसे, भारत की सरकार की सबसे बड़ी आय के रूप में है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर है हम लोगों का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्रत्यक्ष कर में कौन से कर आ जाते हैं, तो जैसे अब मान लो GST, और इसमें आ जाता है हम लोगों का इनकम टैक्स। तो हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात हम लोगों ने इनकम टैक्स में पार्ट वन में हम लोगों ने कर ली है, इनकम टैक्स की पहली क्लास में। तो उसको आप लोग जाकर वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से आप लोगों का ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में कि ऋतुनिष्ठ विचारों मतलब कि सीजनल वेरियंस को उत्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं जनसंख्या में वृद्धि, फैशन में परिवर्तन, मौसम और सामाजिक रीति रिवाज, तकनीकी सुधार। तो अगर हम लोग ऋतुनिष्ठ विचरण आते हैं तो उनमें उत्पन्न करने वाले महत्वपूर्ण जो कारक होते हैं वो कौन से होते हैं, जनसंख्या में वृद्धि, फैशन में परिवर्तन, मौसम और सामाजिक रीति रिवाज, या फिर तकनीकी सुधार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, अगर हम लोग सीजनल वेरियंस अगर आते हैं तो मौसम में परिवर्तन के लिए हम लोग इसको जिम्मेदार ठहराएंगे और इसी को महत्वपूर्ण कारक मानेंगे। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है कि प्रतिगमन रेखाएं रिग्रेशन लाइन एक दूसरे को काटती हैं एक्स और वाई के मध्य बिंदु पर, केवल एक्स के मध्य बिंदु पर, केवल वाई के मध्य बिंदु पर, या फिर एक्स और वाई की माध्यिका के बिंदु पर। तो प्रतिगमन जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को किस पर काटती हैं, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है कि प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को एक्स वाई माध्यिका के बिंदु पर काटती हैं। जब मैं आप लोगों को अगली क्लास में कराऊंगा, जब हम लोग स्टैटिक्स को पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को इसका डायग्राम बना के दिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। स्टैटिक्स का पार्ट है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये भी क्वेश्चन उसी से है कि प्रतिगमन विश्लेषण रिग्रेशन एनालिसिस मापन करता है। रिग्रेशन एनालिसिस किसका मापन करता है, एक्स और वाई श्रेणियों के बीच सहविचारण के परिणाम का, एक्स के विचरण का, सॉरी वाई के विचरण का, एक्स के विचरण का, या फिर एक्स और वाई श्रेणियों के फलनिक संबंध का। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है कि प्रतिगमन विश्लेषण मापन करता है, तो वो मापन जो करता है वो एक्स और वाई श्रेणियों के सहविचारणता के परिणाम को मापन करता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कि सहसंबंध गुणांक में धनात्मक चिन्ह तब होगा जब
एक्स के मान बढ़ रहे हों और वाई के मान घट रहे हों। एक्स और वाई दोनों के मान बढ़ रहे हों, एक्स के मान घट रहे हों और वाई के मान बढ़ रहे हों, एक्स और वाई के मानों में कोई परिवर्तन ना हो, तो धनात्मक चिन्ह तब होगा, कब होगा कि एक्स के मान बढ़ रहे हों या वाई के मान घट रहे हों, एक्स के और वाई के दोनों के मान बढ़ रहे हों, इनमें से आप लोगों को सही आंसर बताना है। तो जो धनात्मक चिन्ह तब होगा जब एक्स और वाई दोनों के मान बढ़ रहे हों, तब हम लोगों को धनात्मक चिन्ह की बात हम लोग इसमें करते हैं। जब कोरिलेशन पढ़ेंगे, सहसंबंध पढ़ेंगे, तब आप लोगों को एक्स और वाई दोनों बना के दिखाएंगे और क्वेश्चन भी आप लोगों को करा के दिखाएंगे। 16 क्लासें हम लोग कर चुके हैं, और भी क्लासें करनी है, डिटेल में क्लासें करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है कि सहसंबंध गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सदैव धनात्मक होता है, सदैव ऋणात्मक होता है, या तो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताना है कि सहसंबंध गुणांक कैसा होता है, सदैव धनात्मक होता है, सदैव ऋणात्मक होता है, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि सहसंबंध गुणांक या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, इनमें से कौन सा समीकरण सही है। तो राष्ट्रीय आय की बात करी है इसमें कि विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद ह्रास प्लस अप्रत्यक्ष कर, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस ह्रास माइनस अप्रत्यक्ष कर, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद ह्रास माइनस कर, विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बराबर कुल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हम लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब हम लोग नेशनल इनकम आप लोगों को पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स में, तब इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है कि कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है कि अधिकतम अनुशासन मैक्सिमम डिसिप्लिन डिसिप्लिन होता है। मैक्सिमम डिसिप्लिन कहाँ पर होता है, कौन से संगठन में मैक्सिमम डिसिप्लिन की बात आती है, लाइन संगठन में, कर्मचारी संगठन में, क्रियात्मक संगठन में, या फिर लाइन एवं कर्मचारी संगठन में। तो अधिकतम अनुशासन की बात किस संगठन में ज़्यादा होती है, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है कि मैक्सिमम डिसिप्लिन की बात लाइन संगठन में होती है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बीओ का पार्ट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कर इसमें हम लोग करेंगे, संगठन में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैनेजमेंट के जो वर्क होते हैं, वो पहला वर्क होता है प्लानिंग, दूसरा वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी में हम लोग इसको संगठन को पढ़ने वाले हैं, और संगठन में हम लोग पूरी डिटेल में क्लास करेंगे जब बिजनेस स्टडी को पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। निर्णयन प्रबंधक का प्राथमिक कार्य है, निर्णयन जो है वो प्रबंधक का प्राथमिक कार्य है, प्रबंध निर्णयन की प्रक्रिया है, निर्णयन तथा निर्णय दोनों एक ही हैं, परिसीमित विवेकता हार्वर्ड ए साइमन की देन है। तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है कि परिसीमित विवेकता हार्वर्ड ए साइमन की देन है, तो इसमें जो है वो यही आंसर सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है 19 नंबर का जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें SP एजुकेशन को, ठीक है। प्रबंधन में मानवीय दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, प्रबंधन में मानवीय दृष्टिकोण की बात किसने कही है,
एल्डन मियो ने कही है, हेनरी फ्योल ने, एफडब्ल्यू टेलर ने, या फिर सी एन गैगर ने। तो किसने प्रबंधन में मानवीय दृष्टिकोण की बात की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि ये बात जो कही थी एल्टन मियो साहब ने कही थी कि प्रबंधन में मानवीय दृष्टिकोण का जो प्रतिपादन है वो एल्टन मियो साहब ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि 21 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम सीमांत उपयोगिता नियम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के नाम से नहीं जाना जाता। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी के नाम से नहीं जाना जाता। तो प्रतिस्थापन का नियम, गॉसैन का प्रथम नियम, गॉसैन का द्वितीय नियम, या फिर तटस्था का नियम। तो इनमें से कौन सा जो नियम है वो सम सीमांत उपयोगिता का नियम के नाम से नहीं जाना जाता। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि वो गॉसैन का जो प्रथम नियम है उसको सम सीमांत उपयोगिता नियम का के नाम से नहीं जाना जाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है कि वर्तमान में स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय मापने का आधार वर्ष कौन सा है? वर्तमान में स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय मापने का आधार वर्ष कौन सा है? 2002-03, 2001-02, 1995-96, या फिर 1993-94। तो वर्तमान में स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय मापने का आधार वर्ष जो है वो है हम लोगों का 1993-94। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की बात कौन सा संगठन करता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है? योजना आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, CSO द्वारा, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या फिर RBI के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की बात की जाती है, आकलन किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय का मापन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? राष्ट्रीय आय पर, व्ययों पर, विदेशी सहायता पर, या फिर बचतों पर? पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं, तो वो किस में करते हैं, निर्भर किस पर करती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है कि पूंजी निर्माण अगर हम लोगों का तभी होगा जब हम लोग छोटी छोटी बचतों को करेंगे, लाभ कमाएंगे और उनको बचाएंगे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है कि बचतों पर पूंजी निर्माण की प्रक्रिया निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है कि व्यवसायिक संगठन का वह प्रारूप जिसके लिए कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं बनाया गया है, तो इसके लिए 1932 एक्ट बनाया गया है, इसके लिए 1956 एक्ट बनाया गया है, और 2013 जो आप लोगों ने वर्तमान में है, सहकारी समिति, एक व्यापार, सोल प्रोपराइटरशिप। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल सही आंसर है कि सोल प्रोपराइटरशिप के लिए कोई कानून की बात, कोई अधिनियम की बात नहीं की जाती है। सहकारी समिति के लिए भी एक कानून है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कि पार्षद अंतरनियम जिसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन संबंध स्थापित करता है, किसके बीच संबंध स्थापित करता है? कंपनी
तथा सरकार के बीच, कंपनी तथा बाहरी व्यक्तियों के बीच, कंपनी तथा इसके सदस्यों के बीच एवं कंपनी के सदस्यों में परस्पर, कंपनी और कंपनी के रजिस्ट्रार के बीच। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो पार्सस अंतर नियम जो होता है, कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट की बात अगर हम लोग करते हैं, कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आप लोगों ने बताया है कि एक तो होता है पार्षद सीमा नियम होता है, एक होता है हम लोगों का पार्षद अंतर नियम होता है, एक होता है हम लोगों का प्री विवरण जैसे प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं, एक होता है स्थानापन्न प्री विवरण। तो ये चार डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि पार्षद सीमा नियम जो संबंध स्थापित करता है वो कंपनी इसके सदस्यों के बीच एवं कंपनी के सदस्यों में परस्पर, दोनों में संबंध स्थापित करने की बात करता है और नियमों की बात भी करता है, पार्षद अंतर नियम। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है 27 नंबर में लिखा हुआ है कि फाइलिंग का क्या उद्देश्य है। पत्रों का उचित प्रकार से छांटा जाना, पत्रों का उचित रखरखाव, पत्रों के शीघ्र पुनः प्राप्त किया जाना या फिर उपरोक्त सभी। तो फाइलिंग का उद्देश्य क्या है कि पत्रों का उचित तरीके से रखरखाव करना। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि नियोजन में क्या सम्मिलित है, उद्देश्य सम्मिलित है, नीति सम्मिलित है, व्यूहरचना सम्मिलित है या फिर उपरोक्त सभी, ये तीनों के तीनों बातें नियोजन में सम्मिलित होती हैं। तो ये आंसर आप लोगों को बताना है कि नियोजन में क्या क्या सम्मिलित होता है, प्लानिंग में हम लोग किसको इंक्लूड करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो प्लानिंग का पार्ट है, पॉलिसी होती हैं, स्ट्रेटजी होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ एबव, सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 और 30 नंबर में लिखा हुआ है कि औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंधन है, यह परिभाषा किसने दी है, पीटर एफ ड्रंकर साहब ने, हेनरी फ्योल ने, हेराल्ड कुज ने या फिर एफ डब्ल्यू टेलर ने। औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंधन है, ये परिभाषा किसने दी है। तो इसका राइट आंसर है कि ये परिभाषा जो दी है हेराल्ड कुज साहब ने दी है, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है कि उस व्यवसायिक संगठन के प्रारूप का नाम बताएं जिसके प्रबंधक को कर्ता कहते हैं, उस संगठन का नाम बताएं। तो उस संगठन का जो नाम है वो है पब्लिक कॉरपोरेशन, साझेदारी में तो पार्टनरशिप बोलते हैं, साझेदार बोलते हैं, तो कर्ता तो नहीं बोलते हैं, कंपनी में हम लोग अंशधारी बोलते हैं, ऋण पत्रधारी बोलते हैं, लोक निर्माण में हम लोग सदस्य बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त हिंदू परिवार, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, और क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है कि असीमित दायित्व अनलिमिटेड लाइबिलिटी संबंधित है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, ज्वाइंट स्टॉक से, सहकारी कोऑपरेटिव समिति से, सोल प्रोप्राइटरशिप से या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट से। तो असीमित लाइबिलिटी की बात हम लोग किस में करते हैं, तो असीमित लाइबिलिटी पार्टनरशिप में भी होती है और सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, डिटेल में भी क्लास करवाएंगे, तब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा भी देंगे कि असीमित दायित्व तो क्या होता है, सीमित दायित्व तो क्या होता है, आप लोग जानते भी होंगे बहुत सी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है कि सोपान श्रृंखला का सिद्धांत दिया था, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था, किम्बल एवं किम्बल ने, हेनरी फ्योल ने, लॉरेंस एपले ने, या फिर जॉर्ज आर टेरी ने। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो सोपान श्रृंखला का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था हेनरी फ्योल साहब ने। तो इसका राइट आंसर है 32 का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन, अब इसके बाद नहीं है, लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 33 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अग्रता एवं पश्चता लीड एंड लैग विधि संबंधित है, नियोजन से, संयोजन से, नियंत्रण से, या फिर पूर्वानुमान से। तो लीड एंड लैग जो स्टोरी है, जो विधि है, मेथड्स है, वो किससे संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉरकास्टिंग से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर फॉरकास्टिंग हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज की सेट में हम लोगों ने 35 नहीं लेकिन 33 क्वेश्चन किए हैं, और पहले सेट की अगर हम लोग बात करें पहले सेट की, तो उसमें हम लोगों ने 35 क्वेश्चन पर पहली बात की थी। तो ऐसे ही आप लोगों को सेट आगे मिलते रहेंगे झारखंड PGT कॉमर्स के लिए। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो में बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 दिन, लेकिन आप लोगों को कोशिश करेंगे कि डेली के डेली आप लोगों को एक सेट उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, बस आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।